विगत कुछ दिन पूर्व आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के मुरादपुर गांव में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पूर्व प्रधान से मिलकर पंचायत भवन के बाउंड्री वॉल का निर्माण कराए बिना भुगतान करा लेने के मामले सहित कुछ अन्य भ्रष्टाचार का मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा इसकी शिकायत जिला अधिकारी को की गई, तो जिस पर जिला अधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को मामले की जांच कर आख्या देने का निर्देश दिया गया और जिस पर कार्रवाई करते हुए सहायक विकास अधिकारी ने अपने सचिव का बचाव करते हुए पूरा आरोप वर्तमान प्रधान पर मर दिया और रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ पोर्टल पर अपलोड कर दिया। जबकि इसकी जानकारी मौजूदा ग्राम प्रधान को हुई तो वह रिपोर्ट के साथ डीसी मनरेगा के समक्ष उपस्थित हुआ और अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर डीसी मनरेगा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खंड विकास अधिकारी महाराजगंज को मौके पर जाकर नोट कैम से वीडियो भेजने का निर्देश दिए और मौके पर पहुंचे खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी ने आनन फानन में पूर्व प्रधान को बुलाकर पंचायत भवन के बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू करा दिया, जिस पर वर्तमान प्रधान ने आपत्ति करते हुए इसकी जानकारी पुलिस व विभाग के उच्च अधिकारियों को दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बाबत ब्रजेश यादव मौजूदा ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ब्रजेश यादव, ग्राम पंचायत मुरादपुर प्रधान। आपके पंचायत भवन पे क्या प्रकरण है? मेरे द्वारा डीएम महोदय को एक पत्र शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें मेरे द्वारा यह कहा गया कि ग्राम सभा में पंचायत भवन बाउंड्री वॉल का भुगतान पूर्व में करा लिया गया है और लाउड स्पीकर का, कोरोना काल में लाउड स्पीकर का भुगतान भी करा लिया गया है। तो उसका निर्माण हुआ है? बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ है। क्या जिस पर जिला अधिकारी महोदय द्वारा बीडीओ और एडीओ पंचायत को जांच कर आख्या देने का निर्देश दिया गया, उनको निर्देशित किया गया, उनको निर्देशित किया गया। फिर तो एडीओ पंचायत और बीडीओ महोदय द्वारा अपने कर्मचारी को बचाते हुए पक्षपात पूर्ण रिपोर्ट दिया गया, जिसको लेकर मैं डीसी मनरेगा के यहाँ गया। डीसी मनरेगा द्वारा तुरंत खंड विकास अधिकारी महाराज गंज को निर्देश फोन किया गया, तो खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत द्वारा जांच करने नोट कैम्प से कहे कि जो नोट कैम्प दिया जाए हमको तत्काल। किसने कहा नोट कैम्प से? डीसी मनरेगा ने कहा। तो खंड विकास अधिकारी मौके पर जाकर पूर्व प्रधान को बुलाकर आनंद फानन में काम चालू करवा दिए। अच्छा, बाउंड्री वॉल का काम चालू करा, काम चालू करा दिए, जिसकी शिकायत हमने 112 नंबर पर दर्ज कराई। फिर क्या हुआ? अभी काम चल रहा है उसका, काम अभी नहीं रुका है। अभी नहीं रुका सर। इसकी संज्ञान आपने फिर डीसी मनरेगा को दिया? डीसी मनरेगा को हमने फोन से बताया और उनके व्हाट्सएप पे हमने भेज दिया। अच्छा,